जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बागेश्वर धाम के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताने वाला हूं कि पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार की जो आगामी कथा है, जो अगला दिव्य दरबार है, वो कहां पर है, कितने तारीख से है, कितने बजे से है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बागेश्वर धाम की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और बागेश्वर धाम से अपडेट रह सकें। तो आइए जान लेते हैं अब क्या है पूरी जानकारी। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये हैं अशोक नगर के विधायक जजपाल सिंह जी, और यह घर घर जाकर पीले चावल देकर सभी को कथा में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जी हाँ, अगली कथा जो पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार की है वह है अशोक नगर में, और जो कथा की तैयारियां हैं वह जोर शोर से चल रही हैं, और इस प्रकार घर घर जाकर सभी लोगों को निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। सभी जगह बैनर, पोस्टर ट्रेनों में, बसों में लगा दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कब से कब तक है कथा। तो अशोक नगर में श्री बागेश्वर धाम सरकार की संगीतमय श्रीमद भागवत कथा दिनांक 24 से 30 नवंबर 2022 तक होने जा रही है। यदि इस कथा के समय की बात करें तो समय है दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। स्थान आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। स्थान है नवीन गल्ला मंडी, मोहरी रोड, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। अब बात कर लेते हैं कलश यात्रा की। तो 23 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकाली जानी है, जिसमें आप लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और लास्ट में बात कर लेते हैं दिव्य दरबार की, जो कि बिना टोकन और बिना नंबर के लगने वाला है। तो आप समय और दिनांक विशेष रूप से ध्यान रखें। समय है सुबह 9 बजे से, और दिनांक 26 और 27 नवंबर को सुबह 9 बजे से लगेगा पूजनीय श्री बागेश्वर धाम सरकार का बिना टोकन और बिना नंबर का दिव्य दरबार। तो यदि आप लोग अशोक नगर के आसपास से हैं या यदि वहां पर आप लोग पहुंच सकते हैं तो अवश्य पहुंचे। बालाजी सरकार की यदि आप लोगों पर कृपा होती है और पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार आप लोगों को अवश्य बुलाएंगे, आप लोगों की अर्जी अवश्य स्वीकार होगी और आपकी हर समस्या का निवारण होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें ताकि हम भी ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहें और आप लोगों तक पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार की सूचना पहुंचाते रहें। जल्दी आऊँगा ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।